है कि अगर युवा सड़कों पर निकला, आप इतिहास में झांकिए, इतिहास को देखिए कि जब जब युवा सड़कों पर निकला है देश का सिंहासन हिला है, चाहे वो 75 का दौर हो, चाहे वो 90 का दौर हो, जब जब सत्ता अपने सत्ता के घमंड में आई है, जब जब सड़कों पर जब युवा निकला है, युवा चीजों को समझता है, युवा कैप को समझता है, युवा एनआरसी को समझता है, युवा जो है इस भाजपा सरकार की जो इसकी जो आइडियोलॉजी है उसको समझता है। हिंदुस्तान का युवा पिछले 90 साल से आरएसएस की जो विचारधारा है उसे अवॉइड करके गांधी जी के रास्ते पर चल रहा है। हमेशा इस देश के स्टूडेंट ने यह इख्तियार किया है गांधी जी के रास्ते पर बताया, अगर किसी ने इस गाल पर चाटा मारा है तो हिंदुस्तान के युवा ने, इस देश के छात्र ने ये गाल आगे करा के भैया तू इस पे भी मार ले। हम महात्मा गांधी को मानने वाले हैं, यहाँ गांधी को मानने वाले लोग हैं। इसी दिल्ली की जामा मस्जिद की मिंबर से खड़े होकर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस देश की माइनॉरिटी से जो आह्वान किया था, ये देश तुम्हारा है, ये देश किसी की बपूती नहीं है, इस देश का बंटवारा जो है देश किसी की बपूती नहीं है, देश का विभाजन जो है वो धर्म के आधार पर हमने नहीं मांगा। हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई के नाम पर। आप समझिए चीजों को, आप देखिए किस तरीके से कैंपस के अंदर बढ़कर, मैं दिल्ली पुलिस से सीधा सीधा सवाल है दिल्ली पुलिस के यहाँ पर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात यहाँ रख रहा हूँ, मैं कोई भी अल्पाज ऐसा इस्तेमाल नहीं करूंगा जो इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जाए। मैं दिल्ली पुलिस से सवाल करता हूँ यहाँ खड़े होकर, आपको इंटेलिजेंस की ऐसी क्या रिपोर्ट थी कि आपको जेल में कैंपस के अंदर बढ़ना पड़ा? आपने वहां के जो प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ जो आपने परमिशन नहीं मांगी, वहां के आतंकवादी थे, वहां के मिलिटेंट थे, जो आपने जो सीधा जो के साथ आप महिलाओं पे, आप बहनों पे, आप उन बच्चियों पे, मासूम बच्चियों पर जिनको डंडे, अरे भैया किसी बच्चे की तरफ एक बार डटिया के जरा हाथ तो कर देखिए, अगर आंसू ना आ जाए तो जूता आपका और सर मेरा, आप लाठियों से मार रहे हैं, किस तरीके का हिंदुस्तान आप बनाने पर लग रहे हैं? पूरी पूरी रात अपने घर ली गई है, हॉस्टल ली गई है, आपको पता है वो लोग आधी रात को हम लोग अपने अपने घर में सो रहे थे, हम लोग अपने अपने घर में गर्म चादरों में लेटे हुए थे, आपको पता है उस ठंड में कहा थी वो सेल्स में पड़ी हुई थी, कितनी ही लड़कियां एक एक रूम में 20-20 लड़कियां सोई रात को, 20-20 लड़कियां किसने रखा? अब बैठला उसके जो घर है ना छोटे छोटे, उन्होंने घुस गए अंदर, इतना मारा है उन लोगों ने, एनएफसी के अंदर घुसने नहीं दिया उन्होंने, एनएफसी में आपने वो देखी होगी एक वीडियो, वो लड़का वहां, आपको पता है 12:30 बजे उस लड़के को फिर से अनकॉन्शियस उठा लिया गया था, उसकी माँ वही रोती रह गई होली फैमिली के आईसीयू, आईसीयू के अंदर से उसको वहीं से होली फैमिली से ले गए लड़कियां रात को, मेरी खुद की 5 फ्रेंड्स एक दूसरी किसी अननोन, वो नहीं जानती वो कौन है, हम 5 मंजिल के अंदर वहां रही है, रात को लेदर से उतरे वो लोग, रो रहे थे बकायदा पूरी रात रोते रहे, जो लोग ऑलरेडी हॉस्टल में थे वो लोग बेचारे बंद थे, लाइटें बंद करके रहे बिना खाने के बिना पानी के पूरी रात, कि ये होना होता है कि अब आ जाए, पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था, उन लोगों ने मेट्रो स्टेशन तक नहीं छोड़े, ईंटें तक बजाई हैं, हम लोग तो बहुत दूर, हम लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, उन लोगों से पूछे जो रात के 3:30 बजे जेलों से निकल रहे होंगे, आप मैं हम में से कोई भी अगर होता, अगर हमारे हम लोग सोच नहीं सकते वो किस तकलीफ में थी रात को, 20-20 लड़कियां 50-50 लड़के ऐसे ऐसे थे, किसी का सर फटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी के पैर पे चोट है, किसी के सर पे चोट है, लेकिन क्या करें, पुलिस चारों ओर पुलिस आपके हाथ ऊपर करके आपसे कहेगी चलो आप दिल्ली पुलिस हाय हाय, हम टेररिस्ट हैं, हम यूथ हैं। अच्छा एक चीज आप लोग देखिए, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, क्या हमको यहाँ पे दिक्कत है एक दूसरे से? किसी मुसलमानों किसी हिंदू से यहाँ दिक्कत है? भाई पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे कोई किसी और रिलीजन का है, यूनिटी दिख रही है हमें यहाँ पर, दिक्कत है किसी हिंदू को मुसलमान से दिक्कत है? नहीं है ना, यही भारत है और इसी भारत को तोड़ने की साजिश है, ये हमको समझना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है क्या,
प्रस्तावना जानते हैं भारत की प्रस्तावना द प्रीएम्बल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब का संविधान आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आर्टिकल 21 का ये पूरा उल्लंघन है ये सिटीजनशिप बिल दिस इज अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ भारत इंडिया आप ये बताइए संविधान के सीने पे चढ़ के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं क्या हम ये होने देंगे क्या नहीं होने देंगे क्यों नहीं होने देंगे क्योंकि ये देश सबका है ये देश सबका है ये किसी एक का नहीं है ये यहाँ पे हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है यहाँ मुसलमान स्टेट रिलीजन नहीं है यहाँ हिंदू स्टेट रिलीजन नहीं है और डाइवर्सिटी हमारी असली पहचान है सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता इसको अगर तोड़ा जाएगा इसको अगर मोड़ा जाएगा तो हम राजनीति नहीं देखेंगे हम सरकार नहीं देखेंगे हम पैसा नहीं देखेंगे हम लड़ेंगे और लड़के मरेंगे क्योंकि हम हैं दीवाने आजादी के किसके दीवाने हैं आजादी के किसके दीवाने हैं आजादी के ये आजादी ये कुर्बानी ऐसे हम जाने नहीं देंगे ये हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने अपने जान दे करके ये आजादी दी है और इस आजादी को हम फिर से अंग्रेज वाला बना दे नहीं। आपको पता है ये इसको कैसे बांटना चाहते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस गवर्नमेंट हर हिंदू मुसलमान divide and rule you are understanding yes, what the policies are yeah. are we getting jobs no, no. loud no. We... no are we getting what the quality education is no are we getting the classes we deserve no teachers come to in classes no aapko main yahi ki baat batata hu daru pi karke teacher aate hain और बोलो कि सर मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ मुझे ये पढ़ा दे कहते हैं साले आया जहाँ से वहीं भेज दूंगा इज दिस द वे वी आर हम अपने घरों को छोड़ करके अपने माँ बाप को छोड़ करके यहाँ पे आए किस लिए आए हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं। पढ़ने के लिए और जब हमारे पढ़ने के हक को छीना जाएगा तो हम क्या करेंगे लड़ेंगे आंदोलन करेंगे तो इसलिए आज हमको ये समझने की जरूरत है फांसीवादी है सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 आई वांट मोर पीपल टू कम एंड कीप देयर व्यूज क्योंकि तभी बातें जो है जोरदार तरीके से जाएंगी सो प्लीज एनी वन ऑफ यू यू कुक इन का गर्ल्स ऑल्सो प्लीज कम बिकॉज यू ऑल्सो I am a female and I know how it must have been yesterday. I was not present there. मैं अगर मेरे सामने लाठी आएगी मैं भागूंगी और बच्चों ने भी वही किया भागे वो Is this what they deserve? NRC और CAP सिर्फ it is not only going to dehumanize the Muslims, but हमें क्या लगता है हिंदू बच जाएंगे हमें प्रूव नहीं करना पड़ेगा NRC के तहत हमें भी तो प्रूव करना पड़ेगा क्या डॉक्यूमेंट्स लेके लगेंगे हम लाइनों में क्या डॉक्यूमेंट्स लेके लगेंगे हम लाइनों में no. नहीं लगेंगे बट हाँ कैप के इंट्रोडक्शन से दे से कि अगर तुम हिंदू हो तो यू गेट द सिटीजनशिप बट इफ यू आर मुस्लिम यू हैव टू प्रूव इट डिटेंशन कैंप्स वी हैव द मनी टू बिल्ड डिटेंशन कैंप्स 200 मिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन रिजाइड्स इन इंडिया एंड इट इज द मोस्ट पीसफुल मुस्लिम कम्युनिटी on the entire planet. This is the most peaceful Muslim community on this planet. I am not a Muslim. I am a Savarna Hindu. But if I don't stand today, they will come for me next. The problem with the middle class Hindus who are, you know, riding this propaganda of Hindutva who are brainwashed why Hindutva
बट इनको तब तक रियलाइजेशन नहीं होगा जब तक इनके थाली से खाना नहीं छिनेगा। अगर हम यहाँ मतलब सब जानते हैं कि क्यों आए, क्राउड डिस्पर्स हो रहा है, तो बात करने की जगह नहीं चलेगी।